आज तक आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आईएसडी के रवि की मौत का राज क्या है? क्या है सच इस मौत का? कोई राज भी है या फिर इसे बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रवि ने खुदकुशी की थी, लेकिन घर वाले खुदकुशी की थ्योरी मानने को तैयार ही नहीं है। अब नजर टिक गई है फोरेंसिक रिपोर्ट पर जो आज आने वाली है। कत्ल या खुदकुशी, ये सवाल पूरे देश को परेशान कर रहा है। इस सवाल पर कर्नाटक की सियासत गर्म है। सड़क से सदन तक इस सवाल पर हंगामा मचा हुआ है। आखिर कर्नाटक के ईमानदार आईएएस ऑफिसर डीके रवि की मौत कत्ल है या खुदकुशी? 16 मार्च को दक्षिण बेंगलुरु के तावरेकेरे स्थित मादीवाला अपार्टमेंट में संदिग्ध हालात में पंखे से लटका हुआ रवि का शव मिला था। रवि की संदिग्ध मौत के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मौत की मिस्ट्री अभी सुलझी नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि आज आने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट रवि की मौत के रहस्य से पर्दा उठा दे, क्योंकि रवि को जानने वाले ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं कि जाबाज आईएएस ने खुदकुशी की होगी। Ravi is not a such a person who has committing suicide himself. If he is committing suicide himself, there will be a strong reason should be there. That I want to know. कर्नाटक पुलिस और सरकार इसे पहली नजर में खुदकुशी का मामला बता रही है, लेकिन कोलार के जमीन और रेत माफिया से टकराने वाले रवि इस तरह जान देंगे? इस थ्योरी पर न तो रवि के परिवार वालों को भरोसा है और न ही लोगों को। यही वजह है कि रवि का परिवार इंसाफ की मांग को लेकर जब कल विधानसभा के बाहर धरने पर बैठा तो तमाम सियासी दिग्गजों का वहां पहुंचना शुरू हो गया। देखते ही देखते कर्नाटक में ये सियासी मुद्दा भी बन गया। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन विल गोइंग टू कंडक्ट नॉट ओनली बंगारपेटे एमएलए, इवन सेवरल बिग फिशेस विल कम आउट इन दिस इश्यू। क्या है आईएएस रवि की मौत मिस्ट्री? रवि की संदिग्ध मौत को लेकर कर्नाटक में कई तरह की थ्योरी चल रही है। पहला शक जमीन और रेत माफिया पर जा रहा है, क्योंकि रवि जब कोलार में कलेक्टर पद पर तैनात थे तो उन्होंने जमीन और रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी और इसे लेकर उन पर भारी दबाव भी बना था। बेंगलुरु के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में भी उन्होंने कर चोरी के कई मामले पकड़े थे। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके दुश्मनों की तादाद कम नहीं होगी। इस मामले में इशारों इशारों में बंगारपेट के विधायक नारायण स्वामी का भी नाम आ रहा है। नारायण स्वामी, ऐसे नारायण स्वामी इज द मैन हु हैज एज आई नो एंड इन द रिकॉर्ड आल्सो इन द मीडिया आल्सो नो ही इज द मैन हु इज इन बैकिंग दैट कॉन्फिडेंट ग्रुप। ही इज द सेलर ऑफ द दैट व्हाट द डीसी हैज टेकन back to the government, that land has been sold by the Narayan Swami to the confident group. In that case, the DC, as a DC, Ravi has taken back that land to government. लेकिन पुलिस इसे पहली नजर में सुसाइड का केस मानकर निजी पारिवारिक विवाद से जोड़ रही है, जिससे रवि के घर वाले साफ इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर घरेलू कलह की वजह से कोई खुदकुशी करेगा तो कम से कम एक नोट जरूर छोड़ेगा। यही वजह है कि तमाम पहलू साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। बेंगलोर से प्रतिभा रमन और रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। रवि के घर वालों को यह यकीन नहीं हो रहा कि रवि खुदकुशी कर सकते हैं। साजिश की तरफ सुई इसलिए भी उठ रही है कि ईमानदार होने की वजह से उनके दुश्मनों की तादाद कम नहीं थी। यही वजह है कि कर्नाटक में यह सियासी मुद्दा बन चुका है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर बीजेपी जेडीएस ने प्रदर्शन किया तो दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री से मुलाकात की। आईएएस डीके रवि की मौत का मामला दिल्ली के सियासी गलियारे में पहुंच गया है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला। बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सीबीआई जांच न कराकर बड़े लोगों को बचाना चाहती है। His family is demanding CBI inquiry. People of Karnataka are demanding CBI inquiry. Even all oppositions are seeking for a CBI inquiry, including the part of the ruling party. They are also telling that here and there
that CBI inquiry is the only solution. Commissioner of Police Bengaluru prejudging the whole thing without an inquiry, without a forensic test, without postmortem, almost announced that it's a suicide. एक ईमानदार अफसर की संदिग्ध मौत पर गृह मंत्रालय भी चिंतित है। राजनाथ ने सिद्धारमैया सरकार से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन मीडिया ने जब गृह मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। दिल्ली से दूर बेंगलोर में विधानसभा के बाहर लगातार दूसरे रोज बीजेपी और जेडीएस नेताओं ने प्रदर्शन किया। ये नेता धरने पर बैठे रवि के घर वालों से भी मिले और उन्हें इंसाफ की लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाकर घर वापस जाने के लिए मना लिया, ताकि परिवार वाले आईएएस के क्रियाकर्म की तैयारी कर सकें। I requested them, we will take care of your demands in front of the government. You please drop this protest here. You please go to the village and have your ceremony of your son. All the Kriya things I requested them. For that reason, they stopped here. सूत्रों के मुताबिक रवि मौत मामले के राजनीतिक रंग लेने से कांग्रेस चिंतित हो उठी है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी आलाकमान ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया से कहा है कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश कर दें। देखना दिलचस्प होगा कि सीआईडी जांच पर अड़े सिद्धारमैया विवाद खत्म करने के लिए क्या सीबीआई जांच की मांग मंजूर करेंगे। इस बीच स्थानीय तहसीलदार के सामने हुए बेंगलोर के विक्टोरिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद जांच दल में शामिल डॉक्टरों ने जो प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक आईएएस रवि की मौत दम घुटने से हुई। फांसी के फंदे से लटकने के मामले में तकनीकी रूप से दम घुटने से मौत ही लिखा जाता है। रवि के जिस्म पर चोट के कोई बाहरी निशान नहीं पाए गए, कोई संघर्ष का निशान भी नहीं मिला, शरीर में जहर के सबूत भी नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस और सरकार की सुसाइड थ्योरी को पुख्ता कर रही है, हालांकि फिलहाल ये प्राथमिक रिपोर्ट है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से फाइनल रिपोर्ट आज आने की उम्मीद है। बहरहाल एफएसएल की रिपोर्ट चाहे कुछ भी आए, सीआईडी इसकी जांच जारी रखेगी, क्योंकि आरोप है कि रवि को कई तरह की धमकियों के कॉल मिले थे। ऐसे में जांच एजेंसियों की नजर रवि के कॉल रिकॉर्ड्स, एसएमएस और ईमेल पर भी टिकी हुई है। इस जांच से यह खुलासा हो सकेगा कि वाकई रवि किसी घरेलू कलह से परेशान थे या फिर किसी धमकी के दबाव में थे। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। आईएसडी के रवि लोगों में बेहद लोकप्रिय थे। उनकी मौत से कोलार से लेकर बेंगलुरु तक लोग सदमे में हैं। सदमे में उनका प्यारा डॉगी ब्रूनो भी है, जिसे वो बेहद प्यार करते थे। रवि के शव के साथ ब्रूनो के रोने की तस्वीर देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस तस्वीर ने फिल्म तेरी मेहरबानियां की याद ताजा कर दी है। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां। ताबूत में आईएस डी के रवि का पार्थिव शरीर है। पत्नी और तमाम रिश्तेदार रो रहे हैं। मातम के इस पल में रवि का प्यारा कुत्ता ब्रूनो भी रोता नजर आ रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब रवि का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके ससुराल लाया गया था। कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। रवि का शव अस्पताल से निकला तो पूरे रास्ते लोगों का हुजूम जाबाज अफसर के आखिरी सफर के साथ चलता रहा। भीड़ में रवि के रिश्तेदार थे, दोस्त थे और शहर के वो तमाम लोग जो एक ईमानदार अफसर के रहस्यमय तरीके से चले जाने से दुखी थे। आखिरी दर्शन के लिए जब रवि का शव ससुराल में रखा गया तो पत्नी कुसुम की आंखों से भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा। कुसुम की रुलाई तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी भीड़ को चीरते हुए घर का पालतू कुत्ता ब्रूनो अपने मालिक के शव के पास पहुंच गया और रो पड़ा। रवि को ब्रूनो से बेहद लगाव था।
जानकारी के मुताबिक हालांकि रवि हफ्ते में दो रोज ही ससुराल आते थे, लेकिन वो जब भी आते ब्रूनो के साथ जरूर खेलते थे। बताया जाता है कि रवि की मौत से ब्रूनो ठीक से खा भी नहीं पा रहा। जब कभी होगी बातें वफा की। ये तस्वीर बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म तेरी मेहरबानियां की याद दिलाती है। फिल्म में एक्टर जैकी श्रॉफ और उनके कुत्ते के बीच लगाव के कुछ बेहद ही भावुक दृश्य थे। रवि की मौत फिलहाल मिस्ट्री बनी हुई है। उनकी मौत को लेकर चल रही साजिश की तमाम थ्योरी के साथ ब्रूनो की श्रद्धांजलि चर्चा का विषय बन गई है। आज तक ब्यूरो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस में बुधवार को हमलावरों ने संसद के नजदीक बार्डो म्यूजियम में हमला बोला। इस हमले में 24 पर्यटकों की जान चली गई, जिसमें 17 विदेशी पर्यटक हैं। हमलावर आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़े हो सकते हैं। ये तस्वीरें हैं ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस में नेशनल बार्डो म्यूजियम में हुए हमले की। बुधवार के दिन बंदूकधारियों ने ट्यूनिस के इस म्यूजियम पर हमला बोल दिया, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों के घायल होने की खबर है। मरने वालों में 17 विदेशी पर्यटक हैं, जिनमें ज्यादातर पोलैंड, इटली, जर्मनी और स्पेन के नागरिक हैं। बार्डो म्यूजियम पर हुए हमले में कितने हमलावर शामिल थे इसका पता नहीं चला है। खबर है कि नेशनल म्यूजियम पर हुए हमले के बाद कुछ हमलावर फरार हो गए। वहीं सुरक्षा बलों से हुई भिड़ंत में 3 हमलावर मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को 2 से 3 हमलावरों की तलाश है। ट्यूनिशिया में पर्यटकों पर यह सबसे बड़ा हमला है और इस बात की भी आशंका है कि कुछ पर्यटक हमलावरों के कब्जे में हों। हाल के दिनों में ट्यूनिशिया में तानाशाही शासन की जगह लोकतंत्र बहाल हुआ है, लेकिन इसके साथ ही इस्लामिक चरमपंथियों के हमले ट्यूनिशिया में बढ़ गए हैं। ट्यूनिशिया के पड़ोसी देश लीबिया की हालत पहले से ही खराब है। ऐसे में ट्यूनिस के नेशनल म्यूजियम पर हुए हमले ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सख्ते में डाल दिया है, क्योंकि ट्यूनिस में हमले वाली जगह से ट्यूनिशिया का संसद काफी नजदीक है। हालांकि हमले के बाद एहतियात के तौर पर ट्यूनिशिया की संसद को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए। आज